तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला सवाल है, किस जानवर का सिर काटने पर भी जिंदा रहता है? दोस्तों, ऐसा कौन सा जानवर है जिसका सिर काट देने पर भी जिंदा रहता है? तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से आंसर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉकरोच। कॉकरोच का सिर काट देने से भी जिंदा रहता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का खून नीला होता है? दोस्तों, ऐसा कौन सा जानवर है जिसका खून नीला होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जिसका खून नीला होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे पहली नोट किस देश में बनी थी? दोस्तों, जो संसार में पहली नोट बनी थी वह कौन से देश में बनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में सबसे पहले नोट बनी थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनो देश में लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों, जो कबड्डी खेल में खिलाड़ी की संख्या होती है वह कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी खेल में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा किस देश में झील पाई जाती है? दोस्तों, जो झील पाई जाती है सबसे ज़्यादा वह कौन से देश में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा में सबसे ज़्यादा झील पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली का पेट सर में होता है? दोस्तों, ऐसा कौन सा मछली है जिसका पेट सर में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झींगा मछली अंडा देने वाली पक्षी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस देश में दो बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर सज़ा मिलती है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में दो बच्चे से ज़्यादा पैदा कर। अगला क्वेश्चन है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? दोस्तों, जो कोयल है वह कौन से राज्य की राजकीय पक्षी है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड की राजकीय पक्षी कोयल है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो हॉकी का जादूगर कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों, जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है वह क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम, पाकिस्तान। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है वह क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? दोस्तों, जो भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं वह कौन से राज्य को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? दोस्तों, जो सबसे पहले दुनिया का कंप्यूटर वायरस बनाया था वह कौन से देश ने बनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान ने सबसे पहले कंप्यूटर वायरस बनाया। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? दोस्तों, जो महाभारत का पुराना नाम था वह क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय संहिता। जय संहिता महाभारत का पुराना नाम था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बॉम्ब ढूंढना सिखाया जाता है? दोस्तों, कुत्ते के अलावा और कौन से जीव को बॉम्ब ढूंढना सिखाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुमक्खी को बॉम्ब ढूंढना सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में, दोस्तों, किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं? दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में? दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा भारत में स्कूल है वह कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में सबसे ज़्यादा स्कूल है। अगला क्वेश्चन है, चूहा एक साल में कितने बच्चे को पैदा कर सकता है? दोस्तों, जो चूहा होता है वह एक साल में कितने बच्चे को पैदा कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1000 बच्चे को एक साल में चूहा पैदा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज्जा खाते हैं? दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पिज्जा खाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के लोग सबसे ज़्यादा पिज्जा खाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु है? दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पशु है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? दोस्तों जो प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र होना चाहिए वह कितनी होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? दोस्तों जो भारत में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वह राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा उत्पादन खपत होता है? दोस्तों भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पर दूध का खपत सबसे ज़्यादा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में दूध का खपत सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज में है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसका झंडा दोहरे त्रिभुज में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस जीव का दिल एक मिनट में 1000 बार धड़कता है? दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिल एक मिनट में 1000 बार धड़कता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? दोस्तों जो सबसे कम भूकंप आते हैं वो कौन से देश में आते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आप लोग एक भी क्वेश्चन का सही सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में सबसे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? दोस्तों जो भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है वह कौन से राज्य में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दोस्तों जो शब्द है नाश कर देना, उस शब्द का मुहावरा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी फेर देना नाश कर देना शब्द का मुहावरा होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? दोस्तों जो शेर के मुंह में दांत होते हैं वह कितने दांत होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 दांत होते हैं शेर के मुंह में। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था? दोस्तों जो भगवान श्री राम जी के पिता का नाम था वह क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दशरथ नाम था भगवान श्री राम जी के पिता का। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? दोस्तों जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुअर पालता है वह कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश में सबसे ज़्यादा सुअर पाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? दोस्तों जो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले हैं वह किसके पास भेजे जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के पास राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है वह कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IAS भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? दोस्तों जो मणिपुर की राजधानी है वह कहाँ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा हथियार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान, ईरान के पास सबसे ज़्यादा हथियार है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है वह किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? दोस्तों किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है उस मिठाई का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जलेबी। अगला क्वेश्चन है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों जो गुलाब का शहर कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ को गुलाब का शहर कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होता है? दोस्तों जो सबसे ज़्यादा आलू पैदा होता है वह कहाँ पर होता है पूरे विश्व में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस में सबसे ज़्यादा आलू की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है,
सबसे बड़ा सांप कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा सांप का नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाइथन, सबसे बड़ा सांप का नाम है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? दोस्तों जो मनुष्य के एक आंख का वजन होता है वह कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8 ग्राम वजन होता है मनुष्य के एक आंख का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? दोस्तों जो भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था वह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड है वह कौन से शहर में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई में सबसे बड़ा बस स्टैंड है भारत का। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इस QR कोड के जरिए दिखा सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो गूगल की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1988 में गूगल की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों जो मसालों का राजा कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? दोस्तों ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? दोस्तों जो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था वह कितने बार किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किसके पास है? दोस्तों जो कोहिनूर हीरा है वह किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन के पास कोहिनूर हीरा है। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों जो मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वह कौन सा बांध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? दोस्तों जो भारत की सबसे पवित्र नदी है वह कौन सी नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों जो अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में फैक्ट्री स्थापित की थी वह कहाँ स्थापित की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत में अंग्रेजों ने सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोनो देश में लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। अगला क्वेश्चन है, काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों जो काशी की बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? दोस्तों जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है उनमें क्या उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? दोस्तों जो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था वह किसने बनाया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 समुद्र प्रमुख सागर तैरकर पार किए? दोस्तों वह प्रथम महिला कौन है जो 7 प्रमुख सागर को तैरकर पार किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुला चौधरी, जो कि 7 प्रमुख सागर को तैरकर पार किया था। दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, जिसे आप लोग फॉलो करके कुछ भी मैसेज पर्सनली कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद की स्थापना की थी वह कब किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज की संबंध है? दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है वह क्या किससे संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयले क्षेत्र से संबंध है, कोयला का क्षेत्र से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई? दोस्तों कौन से राज्य की सीमा
चीन से जुड़ी हुई है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई हुई है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? दोस्तों कितने वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वह कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में काजीरंगा पार्क स्थित है, राष्ट्रीय पार्क स्थित है। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? दोस्तों जो गायत्री मंत्र लिया गया है वह कौन से पुस्तक से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद पुस्तक से गायत्री मंत्र लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों जो हिंदी लिखी जाती है वह कौन से लिपि में लिखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो भारतीय खनन विद्यालय है वह कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनबाद में भारतीय खनन विद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वह कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? दोस्तों जो सबसे अधिक डाकघर है वह कौन से देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में सबसे ज्यादा डाकघर है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? दोस्तों जो मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है वह क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, 022 मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से हुआ? दोस्तों जो भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ वह कब से हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1880 से भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? दोस्तों जो भारत में डाक टिकट जारी किया गया था वह कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1854 में भारत में डाक टिकट जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? दोस्तों जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है वह कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एयर इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है? दोस्तों भारतीय लोक नृत्य नहीं है, कौन सा लोक नृत्य नहीं है भारत का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथकली। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया? दोस्तों जो भारत में सबसे पहले सफेद बाघ देखा गया था वह कहाँ देखा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, रेवा में देखा गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? दोस्तों जो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है वह किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था वह कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। अगला क्वेश्चन है, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? दोस्तों जो जनपद में जाति प्रथा आधारित थी वह किस पर आधारित थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म पर आधारित थी जनपद में जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद के, दोस्तों जो महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता है? दोस्तों जो महाजनपद के गांव का प्रधान कहलाता है वह ग्राम प्रमुख कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? दोस्तों जो सुपर मून के समय चांद बड़ा दिखता है वह कितना परसेंट बड़ा दिखता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14% लगभग चांद बड़ा दिखता है सुपर मून के समय। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया? दोस्तों कौन से मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? दोस्तों जो दिल्ली स्थित है वह कौन से नदी के किनारे स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों जो दिल्ली का पहला अखबार
प्रकाशित हुआ वह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1836 में दिल्ली का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? दोस्तों जो दिल्ली हरियाली के स्थान पर है वह कौन से स्थान पर है पूरे भारत में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4th स्थान पर है दिल्ली पूरे भारत में हरियाली के मामले में। अगला क्वेश्चन है, सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोम को सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था? दोस्तों जो गुरुमुखी लिपि है उसका आरंभ किस गुरु ने किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बारी वंश की लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों जो बारी वंश की लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1760 में बारी वंश की लड़ाई हुई थी, यानी 1760 में बारी वंश की लड़ाई हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों जो बीबी का मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग सही कमेंट कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो मानस वन्य जीव अभयारण्य है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम में मानस वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो आमेर का किला है वो किस राज्य में है? दोस्तों तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में आमेर का किला स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाब रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो पीर पंजाब रेलवे सुरंग है वो कौन से राज्य में है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाब रेलवे सुरंग स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी कहाँ स्थित है? दोस्तों जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी है वो कहाँ पे है? दोस्तों तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? दोस्तों जो बेफिन द्वीप है वो कौन से देश में है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा में बेफिन द्वीप स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पत्थर, दोस्तों छोटा नागपुर पत्थर से कौन सी नदी बहती है? दोस्तों जो छोटा नागपुर पत्थर से कौन सी नदी बहती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी छोटा नागपुर पत्थर से बहती है। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो रोहतांग दर्रा है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट है वो कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों जो बेटन कप है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉकी से संबंधित है बेटन कप। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो किस मंडल पर आधारित था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरोड डोमर पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, यानी 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? दोस्तों नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिसिली द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है भूमध्य सागर का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सवेज नहर किस देश में स्थित है? दोस्तों जो सवेज नहर है वो किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिस्र देश में सवेज नहर स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का राजा था? दोस्तों जो कनिष्क था वो किस वंश का राजा था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी को भारत की लौह महिला कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री कृष्णा सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? दोस्तों आयोडीन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रतौधि। आयोडीन की कमी के कारण रतौधि होता है। दोस्तों ये कुछ जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? दोस्तों जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है उनमें क्या उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात ट्यूब। निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? दोस्तों जो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था वह किसने बनाया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो डा विंसी ने बनाया था। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 समुद्र प्रमुख सागर तैरकर पार किए? दोस्तों वह प्रथम महिला कौन है जो 7 प्रमुख सागर को तैरकर पार किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोला चौधरी, जो कि 7